यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस साइड देवेंद्र विजय, योर कंप्यूटर टीचर। एंड इन कंप्यूटर लेसन दैट इज HTML। टूडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, I am going to revise the previous topic of this lesson, that is list in HTML. HTML provides two types of list. They are number list, that is called order list. Second is bullet list, that is called unorder list. In number list, the syntax is OL and close with OL. Order list beginning with OL tag and end with OL tag, or every list item is specified within these tag using with LI and LI tag. Okay, attributes of order list is type. जो order list है उसका एक ही attribute है, that is type. By default जो ऑर्डर लिस्ट आती है वो आती है अपनी नंबर सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। लेकिन यदि हम लिस्ट चाहते हैं ABC तो हमको लिखना पड़ेगा OL टाइप इक्वल टू A, OL टाइप इक्वल टू A। और सेकंड यदि हम लिखेंगे OL टाइप इक्वल टू I, ये रोमन का फर्स्ट लेटर है, रोमन के अंदर फर्स्ट, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी अपनी 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस इन रोमन्स। ठीक है, यदि हम टाइप इक्वल टू ए लिखेंगे कैपिटल में तो नंबर लिस्ट होगी कैपिटल लेटर्स में अपर केस के अंदर ABC। यदि हम OL टाइप इक्वल टू स्मॉल a जिसको लोअर केस भी कहते हैं दिस, तो इस विल जो नंबरिंग है दैट विल बी स्टार्ट From small a, small b, small c and so on. Next type of list is unorder list. Unorder list के अंदर क्या होता है कि जो item होता है before item number ना होकर symbol होता है, number ना होकर symbol होगा। The unorder list have a symbol in front of each item in the list, और ये जो unorder list है that will be beginning with UL tag and end with UL tag. Okay? Every list item इसके अंदर भी is specified with these tags using the LI and LI tag. इसके अंदर भी LI और LI टैग के थ्रू हम लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखते हैं, LI फिर आइटम का नाम LI से क्लोज। इसका अट्रीब्यूट भी वही है जो ऑर्डर लिस्ट का है, दैट इज टाइप। यानी ऑर्डर लिस्ट का अट्रीब्यूट और अनऑर्डर लिस्ट का अट्रीब्यूट, दोनों का अट्रीब्यूट इज सेम और दैट इज टाइप, दैट इज टाइप। उसके अंदर टाइप के अंदर क्या होता है, नंबर हो सकते हैं 1, 2, 3, लिस्ट फॉर्म में हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, रोमन के अंदर 1, 2, 3 हो सकता है। यहां पर क्या होगा कि जो टाइप है उसकी वैल्यू होगी डिस्क सर्कल और स्क्वायर, यानी आइटम से पहले या तो डिस्क आएगा लिख डिस्क का सिंबल आएगा या सर्कल का सिंबल आएगा या स्क्वायर का सिंबल आएगा, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं UL टाइप इक्वल टू सर्कल और UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर आएगा हर ईच आइटम के पहले बिफोर, और यहां पर सर्कल आएगा बिफोर ईच आइटम। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टूडेज टॉपिक, दैट इज इंसर्ट इमेज इन HTML। HTML के अंदर या वेब पेज के अंदर किस तरह से हम इंसर्ट इमेज को इंसर्ट करेंगे, तो दैट टैग इज IMG टैग।
ठीक है, आईएमजी टैग, लेकिन स्टैंड अलोन हम आईएमजी टैग को काम नहीं लेंगे, आईएमजी टैग के साथ एसआरसी एट्रीब्यूट लेना जरूरी है। तो आईएमजी टैग विद द एसआरसी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज इन द वेब पेज। तो वेब पेज के अंदर इंसर्ट करने के लिए किस तरह से यूज करेंगे आईएमजी टैग को, इसका सिंटेक्स तो आईएमजी है लेकिन लिखेंगे इस तरह से आईएमजी एसआरसी इक्वल टू पिक्चर नेम, आईएमजी एसआरसी इक्वल टू पिक्चर नेम। सिर्फ आईएमजी से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू स्पेसिफाई द पिक्चर नेम आल्सो, और पिक्चर नेम को स्पेसिफाई करेंगे हम एसआरसी से। ओके, तो आईएमजी एसआरसी इक्वल टू जो भी पिक्चर लगाएंगे उसका नाम। अब एचटीएमएल जो फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, या द मोस्ट सूटेबल फॉर्मेट फॉर इमेज इज जेपीईजी एंड जीआईएफ, तो यानी कि ये दो फॉर्मेट हम यूज करेंगे, यानी या तो वो फाइल जेपीजी में सेव होनी चाहिए, जेपीजी वाली होनी चाहिए, या जीआईएफ वाली होनी चाहिए। तो ये दोनों तरह की फाइल्स जेपीजी या जीआईएफ को हम इंसर्ट कर सकते हैं। अट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी टैग, तो अट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं इसके आईएमजी टैग के, पहला है एसआरसी, दूसरा अलाइन, अलाइनमेंट सेट करने के लिए, ऑल्ट कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, विड्थ इमेज की विड्थ को सेट करने के लिए, हाइट कितनी हाइट की चाहिए, और एच स्पेस वी स्पेस। तो जो एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी टैग आर एसआरसी, अलाइन, एएलटी, डब्ल्यूआई विड्थ, हाइट, एच स्पेस एंड वी स्पेस आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ आईएमजी टैग। नाउ आई विल एक्सप्लेन एसआरसी एट्रीब्यूट इज यूज्ड, एसआरसी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द फाइल, फाइल की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है, यानी हाउ टू यूज, इसको यूज किस तरह से करेंगे, आईएमजी एसआरसी और फाइल नेम आईएमजी एसआरसी इज इक्वल टू प्रिंसिपल डॉट जेपीजी। तो यानी कि प्रिंसिपल डॉट जेपीजी नाम की फाइल को वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है, आईएमजी एसआरसी इज इक्वल टू प्रिंसिपल डॉट जेपीजी, या कोई जीआईएफ फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द इमेज टू द राइट और लेफ्ट, लेफ्ट साइड में इमेज को करना है अपने को, राइट में करना है, या सेंटर में करना है, उसका अलाइनमेंट कैसा है, जो भी हम इमेज इंसर्ट करेंगे उसका, तो उसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। हाउ टू यूज, किस तरह से यूज करेंगे, आईएमजी अलाइन इक्वल टू अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट कैन बी लेफ्ट और राइट, तो आईएमजी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, आईएमजी अलाइन इक्वल टू राइट करने से जो इमेज है वो राइट साइड में अलाइन होगी, लेफ्ट करने से लेफ्ट साइड में होगी। अब आता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज एएलटी एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्प्ले ए ब्रीफ मैसेज व्हेन इमेज इज पॉइंटेड टू, यानी इमेज के ऊपर जब हम माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, इमेज के ऊपर जब माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो इमेज की फाइल के ऊपर हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी माउस पॉइंटर ले जाते ही वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, और जैसे ही माउस पॉइंटर हटाएंगे वो हटा देगा मैसेज, व्हेन इमेज इज पॉइंटेड टू, यानी जैसे ही इमेज के पास हम ले जाएंगे किसको, माउस पॉइंटर को, वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। किस तरह से, आईएमजी एसआरसी इमेज का नेम, एएलटी और मैसेज, जो भी हम करवाना चाहते हैं वो यहां पर लिखेंगे, और फाइल का नेम इमेज नेम की जगह लिखेंगे। तो आईएमजी एसआरसी इज इक्वल टू प्रिंसिपल नेम, यानी हमने प्रिंसिपल डॉट जी जेपीजी दे दिया, ऑल्ट इक्वल टू मैसेज हमने दे दिया मिस्टर सुरेंद्र यादव। तो
जैसे ही हम सर की फोटो के पास माउस पॉइंटर ले जाएंगे, मैसेज क्या आएगा? मिस्टर सुरेंद्र यादव, वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस टॉपिक. तो लेट अस डू, टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस टॉपिक फर्स्ट वी विल ओपन द नोटपैड. ओके, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और नोटपैड, यहां क्लिक करेंगे और अपनी इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाएगी. ओपन करने के बाद ये वाली हम कोडिंग लिखेंगे, HTML हेड टाइटल सिल्वर ओक स्कूल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज. तो ये तो हो गया अपना हेड पार्ट. अब आता है बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड लिख दिया, तो टेक्स्ट जो भी होगा वो रेड कलर का होगा. उसके बाद लिखा है मैंने H1 आवर स्कूल प्रिंसिपल सर, H1 से क्लोज कर दिया. IMGSRC इज इक्वल टू SY.JPG, यानी ये फाइल का नाम है जिसका नाम है SY.JPG और उसका अलाइनमेंट हमने राइट दिया है. और ऑल्ट करके मैसेज के लिए हमने क्या किया है, प्रिंसिपल सर, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. अब इस फाइल को मैंने क्लोज किया, सॉरी इस फाइल को सेव किया और सेव करके फिर अगेन सेव एज किया और इमेज एट्रीब्यूट डॉट HTML से मैंने इसको सेव एज किया HTML. ये फाइल सेव हो गया, ओवरराइट इट. अब देखिए यहां पर इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये फाइल मेरी जो सेव हुई है वो कहां हुई है, डेस्कटॉप पर. कहां हुई है, डेस्कटॉप पर. तो यानी ये वाली जो फाइल है ना sy.jpg, ये भी हमारी फाइल कहां होनी चाहिए, जेपीजी. कहां होनी चाहिए, डेस्कटॉप पर. आपके लिए ये कहीं भी हो सकती है, पर फिलहाल अभी आप ये मानकर चलिए कि आपको कहां रखनी है कॉपी कर डेस्कटॉप के ऊपर. अब इस फाइल को मैंने मिनिमाइज किया और मैंने इसको सेव किया इमेज डॉट एट्रीब्यूट से और इसको राइट क्लिक किया, ओपन विद गूगल क्रोम. इस तरह से इस फाइल का ये वाला आउटपुट आ गया और ये अपनी क्या है, ओरिजिनल फाइल, नोटपैड वाली फाइल. यानी ये हमारी नोटपैड फाइल है, इसको मैंने सेव एज किया था .html से, ये हमारी फाइल आ गई. तो देखिए सिल्वर ओक स्कूल हमने कहाँ लिखा है, टाइटल में. तो ऑलरेडी टाइटल के अंदर क्या आया हुआ है, सिल्वर ओक स्कूल, सिल्वर ओक स्कूल आ गया. बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू रेड, तो यानी कि ये हमारा जो टेक्स्ट है दैट इज इन रेड कलर. ओके, H1 हेडिंग 1 है, आवर स्कूल प्रिंसिपल सर, ये हेडिंग आ गया अपना आवर स्कूल प्रिंसिपल सर. और यहां पर ये फाइल है, यानी ये यादव सर जो हैं इनकी फाइल का नाम है sy.jpg. तो यानी sy.jpg की जो फाइल है उसके अंदर ये वाली फोटो सेव की हुई है. अलाइन इसका क्या है, राइट. तो देखिए ये राइट साइड में आ रही है फोटो, ये हमारा राइट लेफ्ट साइड है वेब पेज पर, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है. तो ये वाली फोटो हो गई. अब मैं देखिए यहां पर अलाइन कर देता हूं, लेफ्ट कर देता हूं, LEFT. इस फाइल को अगेन सेव किया मैंने और फिर अगेन सेव एज कर दिया .html से, .html सेव एज कर दिया. डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस, यस रिप्लेस करना चाहता हूं. अब इसी फाइल को मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो देखिए जैसी एज सुन एज आई विल रिफ्रेश इट, क्या गया, फोटो कौन सी साइड आ गई, अलाइन लेफ्ट हो गई. फोटो का अलाइनमेंट कैसा हो गया, लेफ्ट. सो स्टूडेंट दिस प्रैक्टिकल यू हैव टू डू एट योर होम. सो ओके, बाय बाय.